आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नए नए वीडियो सुनने के लिए जो है लाइक भी कर दिया करिए। आज मैं आपको और अन्य जो हमारे यहाँ पूजनीय मंदिर हैं उनका वर्णन सुना रही हूँ। आज मैं आपको अत्रीश्वर महादेव का वर्णन सुना रही हूँ। हमें जो है सावन के माह में महादेव शंकर जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शिव शंकर तो तुरंत प्रसन्न होने वाले देवता हैं और आपका मनचाहा वरदान भी आपको प्राप्त कर देते हैं। सुनिए, निरंतर 100 वर्षों तक अनावृष्टि के कारण निवास के सर्वथा अनुपयुक्त हो जाने से ऋषियों द्वारा परित्यक्त अत्यंत उष्ण एवं शुष्क कादम वन में अत्री जी ने अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ कठोर तप किया। शिव जी का जाप करते करते ऋषि प्रवर अचेत हो गए। उस समय उस दोनों के दर्शन के लिए देवता ऋषि गंगा जी नदियाँ वहाँ आईं और हम लोग तो दर्शन करके चले गए, परंतु शिव जी और गंगा जी अनुसुईया का उपकार करने के लिए वहाँ रुक गए। 54 वर्ष तक समाधिस्थ रहने के पश्चात जागने पर अत्री जी ने अनुसुईया से जल मांगा तो वह देवी कमंडल लेकर जल को खोजने में भटकने लगी। गंगा जी उसके पीछे पीछे चली और उनको पति भक्ति सत्यनिष्ठा और सेवा को देखकर उस पर प्रसन्न होकर बोली, मैं गंगा हूँ, जो चाहो मुझसे पर मांग लो। अनुसुईया ने प्रणाम करके जल प्रदान करने की मांग की। गंगा जी उसमें प्रवेश कर गईं और अनुसुईया आश्चर्यचकित होकर जल लेने लगी। उसने गंगा जी से अपने पति के आने तक उस गड्ढे में टिके रहने की को कहा, अनुरोध किया। अनुसुईया द्वारा लाए गए मधुर जल का आचमन करके ऋषि ने आश्चर्य प्रकट किया और पूछा कि वर्षा के अभाव में जल की प्राप्ति कहाँ से हुई। अनुसुईया ने कहा कि भगवान शंकर की अनुकंपा और आपके व्रत के प्रभाव से गंगा जी यहाँ आ गई हैं और यह गंगा जल है। अत्री ने इस विषम को अपने नेत्रों से देखा, चाहा तो अनुसुईया ने उस गड्ढे के पास जाकर लाकर खड़ा कर दिया। अत्री अपने तप को सफल मानते हुए बार बार जल का आचमन और स्तुति करने लगी। अत्री ने करबद्ध होकर गंगा से सदा के लिए उस स्थान पर निवास करने की प्रार्थना की। गंगा ने कहा कि यदि अनुसुईया शिव पूजन अपने पति की 1 वर्ष और सेवा की पुण्य मुझे दे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर सकता हूँ। अनुसुईया ने लोकहित के लिए यह त्याग कर दिया। यह देखकर महादेव जी पार्वती जी लिंग के रूप में वहाँ प्रकट हुए और ऋषि दंपति ने पंचमुख शंकर जी को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति की और उनसे भी सदा के लिए वहीं टिकने की प्रार्थना की। अनुसुईया द्वारा खोदा गया वह अद्भुत मंदाकिनी कहलाया गया और शिवजी के स्वतः प्रकट ज्योतिर्लिंग अत्रीश्वर का अत्रीश्वर कहलाया। गंगा के प्रकट से दुर्भिक्ष मिट गया और ऋषि गण पुनः उस वन में आकर रहने लगे। इस तरह से हमें अत्री जी के द्वारा प्रकट किए हुए शिवलिंग की भी पूजा करनी चाहिए। हमें महादेव की पूजा करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सावन का महीना महादेव जी को सबसे प्रिय है, इसीलिए हमें सावन में महादेव जी को 1 लोटा जल, 1 चावल और 1 बेलपत्र जरूर अर्पण करना चाहिए।